रेलवे के आमान परिवर्तन को ले जहां घोसी नगर वासियों में खुशी एवं उत्साह देखने को मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अचानक घोसी रेलवे स्टेशन को हॉल्ट बनाए जाने की उड़ती खबरों से लोग काफी मायूस नजर आने लगे हैं। इसी क्रम में घोसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरविंद पांडे ने घोसी स्टेशन को हॉल्ट बनाए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जहां जो स्टेशन पहले से है वहां स्टेशन ही बनना चाहिए। हॉल्ट बनाए जाने पर घोसी संघर्ष समिति एवं नगरवासी इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन करेंगे। अभी कार्य रुका हुआ है जिसका संज्ञान आला अधिकारियों को दिया जा चुका है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो जल्द ही रेल मंत्री से मिल समस्या का निस्तारण किया जाएगा। किसी भी दशा में घोसी स्टेशन को हॉल्ट नहीं बनने दिया जाएगा। आज कैसा प्रदर्शन था रेलवे स्टेशन पे? मैं अरविंद कुमार पांडे घोसी संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। हमें चूंकि संडे की शाम को मालूम हुआ कि यहाँ कुछ ऑफिसर बनारस से आए हुए थे और उनको आदेश मिला है कि घोसी जबकि रेलवे स्टेशन बनना था इसको हॉल्ट मंत्रालय से बनवाया गया है। जबकि 18 तारीख को हमने रेल मंत्रालय और प्रबंधक के नाम लेटर भी एक ज्ञापन भी भेजा हुआ है कि एक महीने के अंदर दोहरी घाट का भवन जो गिरा दिया गया है वो पूरा नहीं बना और घोसी में जो मिट्टी वगैरह का काम पूरा नहीं हुआ तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन जब से मैं सुना हुआ संडे की शाम को कि ये हॉल्ट बनने जा रहा है तो हम यहाँ से हॉल्ट नहीं बनने देंगे। रेलवे प्रशासन एकदम आराम से सुन ले, मैं इसको स्टेशन बनने दूंगा और सारे स्टेशनों को स्टेशन बनाए, दोहरी घाट भी बनाए, अमिला भी बनाए, घोसी भी बनाए और गोपागंज भी बनाए। जबकि पहले ये पास हुआ है कि जो घोसी मेन सेंटर है जिसके लिए यहाँ भूमि पूजन हुआ है, यहाँ अफसरों के रहने के लिए कॉलोनियाँ, उनके लिए जो है पार्क वगैरह सारी चीजें यहीं बननी थी, कंप्यूटरीकृत आरक्षण खिड़की भी यहीं बननी थी। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? आगे नहीं बामी, हमारी मांगे पूरी हुई तो हम रेल रोको आंदोलन के साथ साथ जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं।